लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तीन काले किसान विरोधी कानूनों को छोड़कर वह किसान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी तक इतना बेतुका बयान अपने जीवन में नहीं सुना। ये तो वही बात हुई कि आप हमारे घर पर खाने के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन भोजन नहीं परोसा जाएगा। तो मैं किसानों से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कानून को छोड़कर किसी बात पर भी बात कर लें तो वो आपसे वेदर डिस्कस करने तो नहीं आएंगे तोमर जी। खैर, और ये लेकिन कहीं ना कहीं कृषि मंत्री का, इस सरकार का, प्रधानमंत्री का अहंकार और जो जुल्मी रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है भारत के किसानों को लेकर, वो दिखाता है। प्रणव जी ने भी गर्मी का जिक्र किया। इतनी गर्मी है कि घर के बाहर अगर आप 10 मिनट धूप के नीचे खड़े रहिए तो झुलस जाइएगा, और उस गर्मी में, कड़कड़ाते जाड़े में, बारिश में, आंधी में, पानी में हमारा किसान सड़कों पर बैठा है, और वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। तो तोमर जी, अगर किसान अपने खिलाफ बनाए गए कानूनों के बारे में बात नहीं करेगा, उनका विरोध नहीं करेगा, तो बात करने को है ही क्या? वो आपसे क्या आकर बात करेगा? कानून को तो खत्म होना ही पड़ेगा और बात तभी बनेगी। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, ये सर्वविदित है। किसान और इस देश के 62 करोड़ किसान इस कानून के खिलाफ है। कुछ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पर इतनी पाबंदी लगा दी गई है कि वो अपने घर से निकल के प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस देश की आत्मा जो किसान है, वो इन काले कानूनों के खिलाफ है। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और अभी भी इस सरकार का दम और अहंकार टूटा नहीं है। किसान जायज मांग को लेकर विरोध पे मजबूर हैं। वो अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं। आपने उनके रास्ते में नुकीली कीले गड़वाई, तार कड़वा दिए, इसलिए वो बैठने को मजबूर है। वो तो यहां पर आके आपसे बात करके विरोध करना चाहते थे। क्या देश के 62 करोड़ अन्नदाता आपको नजर नहीं आते हैं? ये सरकार से सवाल है और ये बहुत वाजिब सवाल है। और क्या पूंजीपतियों के साथ आपका गठजोड़ इतना मजबूत है, आपकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि आपको धरती पुत्र धरने पर बैठे हुए दिखाई नहीं देते, आपके घर से थोड़ी ही दूर पर, और ये आपके अहंकार के चलते बैठे हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। ये भी सर्वविदित है कि खेती जो है वो करीब करीब 25 लाख करोड़ का कारोबार है और ये कई बाकी इंडस्ट्रीज, कई बाकी सेक्टर से काफी बड़ा व्यापार है। इस 25 लाख करोड़ का जो कारोबार है, वो मोदी जी किसानों से, कृषि मजदूरों से, आढ़तियों से, छोटे दुकानदारों से, मंडी मजदूरों से लेकर 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, और यही लब्बो लबाब है तीन काले कानूनों का। पर शायद दंभ में चूर कृषि मंत्री, जिनका ये शर्मनाक बयान आया है, और उनके आका मोदी जी ये भूल गए कि आप किसानों को बहलाकर 25% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में तो आए थे और आके उनके विपरीत सारी बातें कर रहे हैं, और उनको आपने मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया है, और 600 से ज्यादा किसानों की अभी तक शहादत हो चुकी है। सरकार की कुरीतियों और विफल नीतियों की वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, खाद के दाम बढ़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, ट्रैक्टर का दाम बढ़ा है, कृषि उपकरण का दाम बढ़ा है, और इन सब के चलते 15,000 रुपए प्रति हेक्टर खेती करने का जो लागत आती है वो बढ़ गई है, और बजाय उनको राहत दी जाए, उनको एक 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया गया, और वो 6,000 रुपए का झुंझुना भी, उससे करीब 6 से 6.5 करोड़ किसान अभी भी वंचित हैं।